हेलो बच्चों लेट सेड द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन ईर इज अ हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाई इट इन द डी एक्साइटेशन स्टेट ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है हमें बताना है रेशियो ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेव लेंथ सॉरी मैक्सिमम एंड मिनिमम वेव लेंथ वेन एमिटेड बाई इट इन द डी एक्साइटेड स्टेट ओके तो Uh, जैसे uh, तो हमारा की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेस्र इज हमें बताए जो हमारा वेवलेंथ uh, है वो डिपेंड कैसे करता है वन अपन लामा इज इक्वल्स टू वन अपन रिडबर कॉन्स्टेंट ओके होल टू दी होल इन टू वन अपन एन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपन एन टू का स्क्वायर ओके तो एन वन इधर कितना है ये दिया गया है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया एन इज इक्वल्स टू थ्री ओके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा और वो क्या कर रहा है वो डी एक्साइटेशन कर रहा है मतलब नीचे खिसक रहा है मतलब एन थ्री से एन टू आएगा और एन वन आएगा ओके okay. तो हमें बताना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ हमें पता है जो एनर्जी है एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा ओके okay, तो उसमें कम वेवलेंथ उसका क्या होगा मिनिमम होगा तो ज्यादा एनर्जी किसमें थर्ड से थर्ड से सेकेंड आने के लिए जो एनर्जी लगेगा मान लो इसका ई वन और थर्ड से फर्स्ट आने के लिए जो एनर्जी लगेगा ये है ई टू ओके सो एनर्जी ऑफ ई टू इज ग्रेटर देन ई वन ओके वी नो दैट एनर्जी ऑफ ई टू इज ग्रेटर देन ई वन इसमें ज्यादा एनर्जी लग रहा है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा लामडा मिनिमम और इसमें कम एनर्जी लग रहा है तो ये क्या होगा लामडा मैक्सिमम ओके तो उसका मतलब वेवलेंथ इसका मैक्सिमम तो ई वन में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा और E2 में जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा वो मिनिमम वेवलेंथ होगा ओके okay. तो हम इधर वन ऑपन फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं वन अपन लामड़ा वन अपन वन अपन लामडा टू विल बी इक्वल्स टू वन अपन रिडबर कॉन्स्टेंट होल्ड होल्ड इन वन अपन थ्री का स्क्वायर ओके माइनस वन अपन एन टू का वैल्यू क्या हो जाएगा डी एक्साइटेशन कर रहा है मतलब सेकेंड वाले टू का स्क्वायर ओके अपन जो लामडा टू है ये मिनिमम वेब है तो ये लामडा मैक्स लिख लेते हैं लामडा वन लामडा टू नहीं लिख के ये लामडा मैक्स लामडा मीन लिख दे लिख देते हैं ये लामडा मैक्स ये हो गया लामडा मीन ओके तो वन अपन आर होल इन टू वन अपन थ्री का स्क्वायर माइनस वन अपन वन का स्क्वायर तो इसको हम सॉल्व करते हैं इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा वन अपन आर से वन अपन कैंसिल हो गया तो वन अपन नाइन माइनस वन अपन वन अपन वन ये आ गया ओके सो दिस विल बी इक्वल्स टू फोर माइनस नाइन अपन थर्टी सिक्स एलसी निकल गया और यहाँ वन माइनस नाइन अपन नाइन ओके तो ये कैंसिल हो गया ये कितना हो जाएगा ये फोर हो जाएगा और यहाँ ऊपर कितना बचा ये है फोर माइनस नाइन इसका मतलब माइनस ऑफ फाइव माइनस फाइव अपन फोर अपन माइनस एट अपन वन ओके तो हमारा वैल्यू क्या आ गया वन अपन लामडापन वन अपन लामडा मीन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाइव अपन थर्टी सिक्स अपन माइनस ऑफ एट अपन वन ओके तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया सॉरी इट इज नॉट थर्टी सिक्स इट इज फोर ओके तो ये थर्टी सिक्स था यहाँ नाइन था ना तो ये फोर फोर हो गया ओके okay. तो एट इन तो हमारा जो आ, आएगा वो कितना आएगा फाइव ऑफन थर्टी टू ओके तो हमारा लामडा मिन अपन लामडा मैक्स ये कितना आ गया फाइव ऑफन थर्टी तो हमारा हमें क्या पूछा है लामडा मैक्स अपन लामडा मीन ओके मैक्सिमम वेवलेंथ अपन मिनिमम वेवलेंथ पूछा है तो वो कितना हो जाएगा उसका रेशियो कितना हो गया थर्टी टू ओपन फाइव सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर आई होप सो यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू